ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, जम्हाई आना एक समस्या बनती जा रही है। मित्रों, दिन में दो तीन बार जम्हाई आए तो कोई बड़ा विषय नहीं, क्योंकि सामान्य माना जाता है कि जब नींद आ रही है, सो के उठे हैं, किसी को सो के उठने के बाद भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जम्हाई आना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन किसी को दिन भर में बहुत बार जम्हाई आती है, और कुछ लोग तो जब सांस अटकती है, सांस नहीं ले पा रहे, तो उनको जम्हाई लेकर ही वो सांस ले पाते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है मित्रों, ये खाता खो जाती है, इस पर विचार करना होता है और इसका समाधान भी करना होता है। यदि आप इसका समाधान नहीं करते हैं तो इससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मित्रों, यदि आप इसको यहीं से संभाल लेते हैं, यहीं इसका निदान समाधान कर लेते हैं, तो आगे आपको कोई समस्या नहीं आती और आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, अब आप रियली तरोताजा महसूस कर रहे हैं। और मित्रों, मैं आपको पहले एक निर्देश दे दूं कि कई बार आप लोग वीडियो देखेंगे, आधा देखेंगे, पूरा देखेंगे, मैं नहीं जानती हूँ, फिर कमेंट ये करेंगे मुझे यही प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपकी समस्या पर हम वीडियो बता रहे हैं, बना रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो उसके निर्देशों को ध्यान से सुनिए। हम सारी बातें बहुत क्लियर बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, और निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं और पूरा पालन करते हैं तो आपको हर समस्या से पूरा पूरा समाधान मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे निर्देश क्लियर नहीं होते, बस आप सुनते नहीं हो, क्योंकि जब मैं टाइप करके दूंगी या मुझसे फोन पे बात करके, तभी मैं आपको वही निर्देश दूंगी जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी होती हूँ। तो मेहरबानी करके निर्देश को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, एक बात और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक हमने दिया, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। वहां कुछ मोटिवेशनल थॉट्स आदि डालते रहते हैं ताकि आपको अपना जीवन आसानी से जीने में कुछ सुविधाएं हो, कि हर बात पर हम वीडियो नहीं बना सकते, तो हम कुछ थॉट्स वहां डाल देते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब हम आते हैं वापस अपने विषय पे कि हमें क्या कर रहे हैं। मित्रों, जब जम्हाई आती है, सबसे पहला कारण जो बहुत कॉमन कारण है, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे कारण और भी हैं, कुछ उसी से संबंधित है, कुछ अलग भी हैं, हम आपको सारे बताएंगे। क्योंकि प्राणायाम करने में भी जम्हाई आती है किसी को, तो बहुत बड़ी उनको समस्या लगती है, उनको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, पर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें और निर्देशों को ध्यान से सुनिए। चलिए, अब सबसे पहला कारण होता है नींद आना। मित्रों, जब किसी को नींद आती है और नींद आने में स्थिति क्या बनती है, और बैठा है, क्योंकि लेटा है तो पूरा सीधा हो जाता है व्यक्ति, तो उसको नींद में जम्हाई नहीं आती है, मतलब नींद आ रही है, लेट गया तो जम्हाई नहीं आती है, पर व्यक्ति बैठा है। अब वो बैठा कैसे, जब नींद आ रही है, नींद आई नहीं पर नींद आ रही है, सो नहीं पा रहा है तो नींद आ रही है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, अब जब वो आलस में बैठा है, क्योंकि आंखें खुली रखना उसकी विवशता है, मजबूरी है, आलस भरपूर है, थकान भी हो सकती है, और ये सब चीजें हैं, और कोई दवा के साइड इफेक्ट से भी नींद आ सकती है। मित्रों, थकान से भी नींद बहुत ज्यादा आती है, आलस से भी आती है, और यदि दवाओं के साइड इफेक्ट, यानी कि दवा में ही ये नशादी मिला है, तो नींद बहुत ज्यादा आएगी। तो ऐसी स्थिति में जब आप थक गए हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आप ऐसे बैठ जाते हैं, जहां आपका जो ये जो है ना, यहाँ का हिस्सा, ये पूरा गोल रहता है। अब आप ऐसी स्थिति में यदि आप कल्पना करें कि आपकी सांस गहरी जाएगी, तो नहीं जाएगी। आप ऐसी स्थिति में सांस लेके देखिए, अभी करके देखिए मेरे सामने, मतलब वीडियो देखते देखते करके देखिए। जब आप ऐसे बैठे हैं, सांस लीजिए, जैसे मैं बैठी हूँ, मैं कैमरा नीचे करूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, मैं ऐसे बैठी हूँ, आप ऐसे बैठते हैं, नॉर्मली आप लोग ऐसे बैठते हैं, तो आप नॉर्मल सांस लेके देखिए, सांस बहुत छोटी होती है। और मित्रों, यदि आप इस बात को समझना चाहें, तो आप एक काम करिए कि आपकी सांस कितनी चल रही है आप पता कर लीजिए। यदि मोबाइल में देखे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टाइम मिला लीजिए, टाइमर लगा लीजिए, आप 5 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं उस पर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल एक मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को 1 मिनट में 12 से 14 सांसें लेनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, अब आप गिन लीजिए, क्योंकि 1 मिनट का मत गिनना, कम से कम 4 से 5 मिनट करना, और टाइमर लगाइए, और उसके बाद आपकी नॉर्मल सांस चलने दीजिए। आपकी 1 मिनट में कितनी सांस चलती है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्वस्थ व्यक्ति हैं, और उसी से आपकी जो जम्हाई हो प्रभावित होती है। क्योंकि जितनी आपकी सांस छोटी होती है, अब जब आप ऐसे बैठे हैं, सांस धीरे चल रही है, नहीं चल पा रही है, तो एकदम से जब ऑक्सीजन के अंदर कमी हो जाती है, जब फेफड़ों को ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत होती है, तो एकदम से वो खींचता है, अब खींचता है तो आपको घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मिल नहीं रहा है, तो क्या करे, तब आपको ऐसे एक्सट्रीम सांस लेनी पड़ जाती है, और ये जब सांस लेनी पड़ती है आपको लगता है जम्हाई आ रही है। कई बार ये जो नींद आती है तो ऐसा होता है, क्योंकि जब आप ऐसे बैठे हैं और थकाने जो भी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा बनता है कि आपको जम्हाई आती है और आप सांस जोर से खींच के लेते हैं, ताकि आपके फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जो आपकी सांस अधूरी पड़ रही थी, वो पूरी मिल सके और आप अंदर तक उसका काम हो सके। अब ऐसी स्थिति में आपने नोटिस किया हो, जब आपको जम्हाई आती है, अब पूरा तन जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, इसका मतलब ये पूरा हिस्सा आपका खुल जाता है। आप कभी भी नोटिस करिए, जम्हाई आएगी,
पूरा, क्योंकि मैं प्रॉपर जमाई नहीं, लेकिन प्रॉपर जमाई जैसे आती है वैसे आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। एक बार आप सांस छोड़ के ले लेते हैं, ऐसा सारी क्रिया आप उसमें कर लेते हैं, क्योंकि जो कम पड़ रहा है वो आपको वहां पूर्ति करनी होती है। मित्रों ये तो नींद की स्थिति होगी। अब कई बार नॉर्मल स्थिति में भी आप लोग सीधे तो बैठते नहीं, कई बार ऐसे ही बैठते हैं। जब ऐसे ही बैठते हैं और आपको तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आप नॉर्मल बैठे कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी जब तनाव होता है, टेंशन होता है, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ सोच में खो जाते हैं, ख्याल नहीं रहता क्या होना क्या नहीं, पता नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में जब बेख्याली में होते हैं तो एकदम से कभी कभी आपको हो जाता है, याद करते हैं उस समय आप नोटिस करिए, दो तीन सांसें आप ले लेते हैं और बहुत गहरी सांस लेते हैं और पूरा सीधा होकर के लेते हैं। और मित्रों ऐसी स्थिति में मुझे एक बात और याद आ गई, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं कि यदि आपको जम्हाई आ रही है, आप घर में हैं, और जम्हाई एक ऐसा रोग कहा जाता है जिसको कहते हैं ना कि एक को देख के दूसरे को लग जाता है, तो मित्रों यदि आप पब्लिक प्लेस में हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि आपको देख के औरों को जम्हाई ना आए, इसके लिए क्योंकि आप सभा में बैठे कहीं भी हैं तो अच्छी बात नहीं होती वो। तो आप क्या करें, जब जम्हाई आती है तो अपने मुंह के आगे हाथ लगा लीजिए, क्योंकि जम्हाई एक ऐसा वेग है, इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको रोकेंगे तो शरीर में विकार होंगे, और जम्हाई कभी खा नहीं जानी चाहिए। यानी कि सभा में भले आप बैठे हैं तो आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये मत करिए, ये आपके लिए घातक है, क्योंकि आपको जो सांस पूरी चाहिए, जो ऑक्सीजन पूरा चाहिए वो आपको अंदर नहीं मिल पाएगा, तो वो ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। इसलिए जम्हाई खुल के लीजिए, पर हाँ आगे रुमाल या हाथ कुछ लगा लीजिए और आवाज बिना दीजिए, ताकि औरों को आपकी जम्हाई से बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। इस बात का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वैसे घर में यदि आपके और जन घर के सदस्य परेशान होते हैं, हाँ यदि मस्ती चली तो बात अलग है, पर परेशान होते तो उनका भी आपको थोड़ा 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 सा ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो परेशान ना हो। इसलिए ये कुछ सावधानियां बरते हैं। मित्रों ये मैंने बीच में इसलिए बता दिया ताकि आप कई बार वीडियो पूरा नहीं देखते तो आपको निर्देश पूरे मिलते नहीं है। अब बड़े निर्देश पे आती हूं कि जो मेन निर्देश है मेरा, क्योंकि ये तो एक आप जो नॉर्मल गड़बड़ियां करते हैं उसमें होता है। अब कभी कभी कुछ लोग एक शिकायत करते हैं कि हम प्राणायाम करने बैठते हैं और हमें जम्हाइयां चालू हो जाती हैं। जी हाँ मित्रों, जब आप प्राणायाम करने बैठते हैं तो प्राणायाम की पहली स्थिति होती है कि आपको पीठ सीधी करके ही बैठना होता है। और मित्रों ये सारी बातें यदि आपको पता नहीं है तो मैं हर वीडियो में एक बात कहती हूँ, इसमें भी आपको बता रही हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम प्राणायाम और व्यायाम के सभी वीडियोज दिए हैं। यदि आप उनको पूरा पालन करते हैं, स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम का, तो आपको अपने तन मन मस्तिष्क यानी कि बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक की सभी समस्याओं का समाधान पूरा का पूरा मिलेगा, आपको कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तो पर पालन करना होता है। तो मित्रों वही मैं अभी बता रही हूँ कि हमने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में जो वीडियो दिए हैं जहाँ प्राणायाम कैसे करें हमने शुरुआत बताई है, तो सबसे पहले सीधा बैठने की बात हमने की है। जब आप सीधा बैठते हैं उसके बाद आप अनुलोम विलोम या सांसों पर ध्यान करना चालू करते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल आदत है ये ऐसे बैठने के समय जो सांस लेने की वो छोटी है, वो आपके साथ छोटी चलती है। पर जब आपने फेफड़े पेट सीधा किए, ये पूरा सीधा किया, पीठ और रीढ़ की हड्डी सीधी की है, तो उस समय आपकी जो आदत है वो छोटी सांस की है, पर ये जब सीधा हो गया है तो आपके फेफड़े अब मांग कर रहे हैं ज्यादा ऑक्सीजन की, लेकिन आपकी तो आदत तो छोटी सांस वाली पड़ी हुई है, तो आपको क्या है इस समय थोड़ी सांस लंबी करनी चाहिए। पर हाँ लंबी बलपूर्वक नहीं करनी है, हमने वीडियो में स्पष्ट बताया कि लंबी बलपूर्वक करेंगे तो आपकी छाती में, आपके सर में और आपके इस हिस्से में और पीठ में कहीं भी दर्द हो सकता है। तो कैसे आपको सांस ले, हमने संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में विस्तार से बताया, आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आप क्या करें कि जब सीधे बैठते हैं प्राणायाम करने में, जब सीधे बैठते हैं ठीक से बैठते हैं, तो जब वो आपका जो खुला और जो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ी तो आपको जम्हाई आई और आपको लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, पर मुझे जम्हाई क्यों आ रही है। अब मित्रों नींद के बिना जम्हाई इसलिए आती है। अब उस समय यदि आप सांस थोड़ी धीरे धीरे लंबी कर लेंगे, धीरे धीरे लंबी करना, एक दिन में लंबी नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे लंबी करेंगे और प्राणायाम ठीक से करेंगे, तो देखिए आपके जम्हाई की समस्या, प्राणायाम करते समय जम्हाई की समस्या 2 से 3 दिन में सॉल्व हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जम्हाई आती है कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, नींद नहीं आ रही आप, हमें पता है कि मेरे सामने ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, उनको लगता है कि सबको कैसा लगेगा। पर हाँ आपको एक बात बता दूं, जब मैं क्लास लेती हूँ तो मेरी क्लास में एक को जम्हाई आती है तो औरों को जम्हाई नहीं आती है, क्योंकि सब प्राणायाम कर रहे होते, सबकी पीठ सीधी होती है, तो ऑलरेडी सबका ऑक्सीजन बराबर होता है। और मुझे यदि मेरे सामने मेरी स्थिति ऐसी है, सामान्य लोगों की ऐसी स्थिति नहीं हो पाती उस समय, क्योंकि एक को देखते सबको आ जाती है, पर मेरे सामने यदि सारे लोग जम्हाई लें
तो भी मुझे जमाई नहीं आती है, क्योंकि हम इतने मजबूती से बैठे होते हैं तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, एक सामान्य जो होते हैं उनको आलस देख के आलस आ जाता, तो वो आलस से जोड़ के देखते हैं, एक्चुअली इसलिए उनको आलस आ जाता है। आप आलस से जोड़ के मत देखो तो आलस नहीं आएगा। इसलिए आपको यदि प्राणायाम करते समय जमाई आती है, डरने की जरूरत नहीं है, बस निर्देशों का पालन करते जाइए, आपको पूरा समाधान, आपकी जो भी समस्या है उसमें पूरा समाधान मिलेगा। क्योंकि यदि जमाई लंबे समय तक आती रहती है और ऑक्सीजन की कमी रहती है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बन जाती है और हाइपोथायराइड भी होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि उससे हमारा थायराइड ग्लैंड भी प्रभावित होता है। तो मित्रों, जमाई एक समाधान नहीं है। हाँ, एक आध बार आए दिन में तो कोई बात नहीं है, पर ज्यादा आती है तो वो समस्या है। इसलिए स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए, आगे पूरा पालन करिए, समाधान मिल जाएगा। और कोई भी प्रश्न है तो इंस्टाग्राम में हमने सारे लिंक हमारे संपर्क सूत्र दे रखे हैं, वहां भी प्रश्न कर सकते हैं। वीडियो पर प्रश्न करेंगे सबसे जल्दी उत्तर मिल जाएगा, वहां थोड़ा विलंब हो जाता है क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं जल्दी, यहां जल्दी हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा और धन्यवाद। वंदे मातरम।